हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू आर गुड। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा थर्ड चैप्टर, लाइफ ऑन अर्थ। ओके, ये आपके EBSU का थर्ड चैप्टर है और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अर्थ के बारे में, कि अर्थ पे लाइफ जो है वो कैसे आई और कैसे है। आज हम सबको पता है कि आज हम सब जो है अर्थ पे जी रहे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, हमारा जो प्लैनेट है प्लैनेट अर्थ वो आया कहाँ से, है ना। प्लैनेट अर्थ पे जो लाइफ है वो कहाँ से आई, उसके बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो में, बहुत मजा आने वाला है आपको इस लेक्चर में पूरे, प्लीज वीडियो एंड तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं। अब कुछ साइंटिफिक रिसर्च किए गए और उसके मुताबिक ये माना जाता है कि करीब 450 करोड़ साल पहले, मतलब 4.5 बिलियन ईयर्स पहले, एक बहुत बड़ा क्लाउड, जिसमें जो है मतलब हॉट गैसेस का एक बहुत बड़ा क्लाउड और उसमें डस्ट था, वो घूम रहा था बहुत स्पीड में, क्या कर रहा था, स्पिन कर रहा था, बहुत स्पीड घूम रहा था। और ऐसा जो है, ऐसा एक बादल हमको स्पेस में बनता हुआ दिखा था। अब इसका जो सर्कुलर मोशन था और जो इसकी स्पीड थी, अब ये कैसा, ये गोल गोल घूम रहा था। सर्कुलर मोशन मतलब गोल गोल घूमना, ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन, गोल गोल घूमना। ओके, अब ये तो सर्कुलर मोशन कर रहा था, साथ साथ इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा थी, जिस वजह से क्या हुआ, जिस वजह से ये जो आपका क्लाउड था, इसके अलग अलग हिस्से हो गए, अलग अलग टुकड़े हो गए, समझ में आ रहा है। और ये जो अलग अलग टुकड़े थे, ये टुकड़े नहीं बल्कि ये प्लैनेट्स थे आपके, जिसमें से क्या बना, आपका सन बना और बाकी बचे प्लैनेट बने। तो कौन से वो प्लैनेट है, जरा एक बार नजर डालते हैं उन पे। तो सबसे पहला जो प्लैनेट था वो था आपका मर्क्यूरी, जो सन के काफी नजदीक भी है। उसके बाद आता है आपका वीनस, उसके बाद आता है आपका अर्थ, उसके बाद आता है आपका मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ओके बच्चों, तो ये 8 प्लैनेट जो है बने, और कैसे बने, जैसा मैंने बताया आपको कि जो एनॉर्मस क्लाउड था वो डिवाइड हो गया, और जो उसके डिवीजन थे, उसके पार्ट के, जो एनॉर्मस क्लाउड का जो डिवीजन था, हर एक अलग अलग डिवीजन एक नए प्लैनेट में कन्वर्ट हो गया। समझ आ रहा है बच्चों, इस तरीके से हमारा प्लैनेट भी जो है, हमारे प्लैनेट का भी जन्म हुआ, प्लैनेट अर्थ का। और जो लाइफ आई वो सिर्फ इस पे आई, प्लैनेट अर्थ पे, बाकी पूरे हमारे सोलर सिस्टम में कोई भी ऐसा प्लैनेट नहीं है जहां पे लाइफ हो एक्सेप्ट अर्थ। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब लाइफ की शुरुआत कैसे हुई अर्थ पे वो जानते हैं। अब हम, जैसा मैंने बताया आपको अभी, कि जितने भी प्लैनेट्स थे इन सब में सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट था जहां पे लाइफ आई, या मतलब जाना जाता है कि हाँ भाई यहां पे लाइफ है। अर्थ के फॉर्मेशन के बाद करीब 80 करोड़ साल लग गए जो उसका सरफेस था, जहां पे हम रह रहे हैं, उसको ठंडा होने के लिए, कूल डाउन होने के लिए, और वाटर बॉडीज को बनने के लिए। जो वाटर बॉडीज मतलब आज जो आप अपने आजू बाजू में ओशन देखते हो, जो ओशन है हमारे पास, टोटल 5 ओशन है अभी, है ना, आर्कटिक, और कौन से ओशन है, अटलांटिक, पैसिफिक, और कौन सा, सदर्न और इंडियन ओशन। तो ये 5 ओशन है हमारे पास, ये वाटर बॉडीज को फॉर्म होने के लिए इतना समय लग गया। और ये माना जाता है कि पहले जो सबसे पानी में जो है, सबसे पहले लिविंग थिंग को देखा गया था, और वो जो लिविंग था वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोजोआ। यूनिसेलुलर मतलब जो सिंगल सेल से बना हो। क्या हम में भी सेल है? बिल्कुल, हम में भी सेल है, हम भी सेल से बने हुए हैं। अगर हमारा पूरा बॉडी का जो सेल है वो खत्म हो जाएगा, हम भी खत्म हो जाएंगे, हमारी जिंदगी यहीं पे खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहला हमको जो देखने को मिला वो मिला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चों, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोजोआ। ग्रेजुअली मल्टी सेलुलर लिविंग थिंग्स भी डेवलप हो गए यूनिसेलुलर सेलुलर की वजह से। मल्टी सेलुलर मतलब मल्टी सेल्स वाले, बहुत सारे सेल्स वाले जिनमें एक से ज्यादा सेल है। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल वाले। अब जो प्रोटोजोआ है वो इतना छोटा होता है कि आप उसको अपनी आंखों से देख नहीं सकते, है ना, आप अपने नेक्ड आई से अपनी आंखों से देख नहीं सकते उसको। और उसको देखने के लिए हमको जरूरत पड़ती है माइक्रोस्कोप की, मतलब कुछ हमको ऐसा चाहिए जिससे हम क्या कर सकें, उसको देख सके। तो कैसा दिखता होगा माइक्रोस्कोप में वो, अब तो आपको माइक्रोस्कोप भी शायद ना पता हो कि माइक्रोस्कोप क्या होता है। तो ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको माइक्रोस्कोप कैसा दिखता है। ये ऐसा दिखता है आपका माइक्रोस्कोप, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपका कुछ ऐसा दिखता है। जब हमने उसको माइक्रोस्कोप से देखा तो वो ऐसा कुछ दिख रहा था। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है आपको। तो ये है आपका माइक्रोस्कोप, और ये था आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो दिख रहा था, ऐसा दिख रहा था किसे, माइक्रोस्कोप से। तो माइक्रोस्कोप से अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं एनिमल वर्ल्ड के बारे में। तो अब लिविंग थिंग्स में भी जो है आपको प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग्स, बहुत सारी वेराइटीज मिल जाएंगे। तो हम एनिमल वर्ल्ड के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है,
अब जो लिविंग वर्ल्ड है अर्थ, मतलब जो हमारा अर्थ है, जो पूरा लिविंग वर्ल्ड है अर्थ पे, उसमें कौन कौन आ जाता है? प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं। यहाँ पे ह्यूमन बींग की बात नहीं की गई है, क्योंकि ह्यूमन बींग भी पहले मतलब एक एनिमल ही था, और एनिमल से क्या हुआ, वो इवॉल्व हुआ, इवोल्यूशन हुआ, जिसके बारे में हम आगे चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं। आपका आगे एक चैप्टर इवोल्यूशन भी है, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब ऐसे कुछ, ये जो है कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे एनिमल्स के। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब फीचर्स, क्या खास बात थी उनमें। सबसे पहली खास बात, एनिमल्स ब्रीथ, एनिमल सांस ले रहे थे, जैसा आज आप सांस लेते हो वैसे एनिमल भी सांस लेते थे। एनिमल मूव करते थे, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते थे अपने खाने के लिए और अपने दूसरे काम के लिए। हम भी उनमें से एक एनिमल हैं, ये ध्यान में रखना। हम भी जो है सांस लेते हैं, हम भी उस समय बहुत पहले हम भी क्या करते थे, यहाँ से वहाँ जाते थे खाने की तलाश में। बहुत सारे स्पीसीज जो एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिमल्स कुछ स्पीसीज के ऐसे होते हैं कि वो एग्स भी देते हैं, है ना, एग्स ले करते हैं, और जो उनके बच्चे हैं वो उस एग से निकल के आते हैं बाहर। जैसे आपने जो है अगर मुर्गी का बच्चा देखा हो तो वो भी है ना, उसका भी जन्म किससे होता है, एग से ही होता है। और एनिमल जो दूसरे स्पीसीज के थे वो जन्म देते थे अपने यंग वंस को, जैसे ह्यूमन बींग मतलब जैसे एक वुमेन जो है जन्म देती है अपने बच्चों को, उस तरीके से। इस तरीके से एनिमल्स में काफ़ी वैरायटीज थी, और एनिमल के हर एनिमल के अपने अपने फीचर्स थे। जैसा हमने देखा अभी मैंने बताया आपको कि जो एनिमल्स हैं, कुछ एनिमल्स एग्स ले करते थे मतलब अंडा देते थे, कुछ एनिमल डायरेक्टली मतलब अपने बॉडी के थ्रू जो है रिप्रोडक्शन करते थे। इस तरीके से चीज़ें जो है चलती रही, और एनिमल वर्ल्ड जो है दिन ब दिन बढ़ता गया। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं, यहाँ पे हमको नहीं दिया गया है, लेकिन माना जाता है कि ह्यूमन बींग जो है वो भी कहीं ना कहीं ये मंकी से इवॉल्व हुआ है। हम मतलब ना पहले बहुत ज़्यादा रिजम्बल करते थे मंकी को, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये अलग अलग एनिमल्स आपको दिख जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ओके। तो ये इतना ही था आपका इस चैप्टर में, आई होप कि आपको समझ में आया, ठीक है। आगे हम जो है इवोल्यूशन पढ़ने वाले हैं, तो जो मैंने बताया आपको, तो जो इवोल्यूशन का कंसेप्ट है वो आपके अगले चैप्टर में। तो अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जो अगला चैप्टर है। तो इवोल्यूशन में आपको समझ में आएगा कि भाई ह्यूमन बींग आया कहाँ से, या ह्यूमन बींग ट्रांसफॉर्म कैसे हुआ। उसके बाद आगे हम ह्यूमन बींग के बारे में भी पढ़ेंगे कि भाई ह्यूमन बींग कैसे अपने आप से मतलब बदला, क्या आज जैसे मतलब ह्यूमन बींग दिखते हैं, मतलब हम जैसे हैं, क्या हमारे जैसे लोग पहले भी थे, तो उसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, आई होप कि आपको पूरा समझ आया। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर इवोल्यूशन। टिल देन स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।